कौन सा 1 रुपए का नोट होता है सबसे महंगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा 1 रुपए का नोट आपको अच्छे खासे पैसे दे सकता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 1 रुपए का नोट बनाया चालू किया 1949 से और उन्होंने बनाए थे 1994 तक। उसके बाद 2015 और 2016 में भी 1 रुपए के नोट बने हैं। जो मेरे हाथ में आप ये नोट का बंडल देख रहे हैं वो 2016 का 1 रुपए का बंडल है। तो दोस्तों, काफी ऐसे 1 रुपए के नोट हैं जो आज की तारीख में काफी महंगे और काफी रेयर है, जिनकी आपको अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। तो हम आपको बताएंगे कि आप कौन से ऐसे नोट रखने चाहिए जिसके आपको मिल सकते हैं अच्छे खासे पैसे। तो हम शुरू करते हैं पहले नोट की। जो सबसे महंगा नोट है वो होता है 1964 का। ये जो 1 रुपए का नोट है 1964 का, उस पे साइन है एस बुकलिंगम का और इसकी जो क्वांटिटी बनी है वो काफी कम बनी थी, काफी कम प्रिजर्व हुई थी, जिसके कारण इसका आज बहुत ही अच्छा दाम मिलता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 1964 का नोट है, इस पे साइन एस बुकलिंगम की है, इस पे बी इंसेट डाला हुआ है। ये जो नोट है इसकी कीमत आज की तारीख में तकरीबन 6,500 से 10,000 रुपए है। एक टाइम आया था जब इस नोट की काफी डिमांड हो गई थी और उस नोट की कीमत 50,000 रुपए तक भी पहुंची हुई है, लेकिन आज इसकी कीमत अगर यूएनसी कंडीशन में, एकदम नए कंडीशन में, तो आपको 6,500 से 10,000 रुपए तक मिल सकती है। दूसरा जो नोट आपको बताने वाला हूँ वो है 1 रुपए का KRK मेनन के साइन का, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फर्स्ट 1 रुपए का नोट था। ये नोट 1949 में इशू किया गया था और जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो 1 रुपए का नोट है 1949 का, जो ग्रीन कलर में बनाया गया है, इस पे साइन है KRK मेनन की और ये भी काफी कम बने थे और आज की तारीख में काफी कम प्रिजर्व हुए, इसलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। तकरीबन इसकी मार्केट वैल्यू 6 से 7 हज़ार रुपए चलती है अगर यूएनसी कंडीशन में हो तो, यूज कंडीशन हो तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम आती है। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट नोट है वो है 1957 का बी इनसेट, जिस पे साइन है LK झा की। ये जो नोट है ये भी काफी रेयर नोट माना जाता है, जो यूएनसी कंडीशन में आपको 2,500 से 4,500 रुपए दे सकता है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि 1995 का 1 रुपए का नोट रेयर आता है, महंगा आता है, ये सब झूठी बातें हैं। 94 लास्ट ईयर था जब 1 रुपए का नोट बना गया था। मैंने वीडियो भी देखा यूट्यूब पर, मैंने काफी लोगों से सुना भी है कि 1995 का 1 रुपया आपको 1 करोड़ रुपए दिला सकता है, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कोई नोट ही नहीं बना हुआ है। तो अगर कोई आपको ऑफर करता है 1995 का 1 रुपए का नोट, तो उसे ना खरीदे क्योंकि वो फेक नोट है। 94 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 और 2016 में 1 रुपए के नोट बनाए हैं, जिनके डिजाइन कुछ ऐसे दिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2015 और 2016 के 1 रुपए के बंडल पड़े हुए हैं। इस पे आप देख सकते हैं साइन है राजीव महर्षि की, जो 2015 के हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे। 1 रुपए के नोट जो है वो RBI नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। अगर हम ये बंडल देखेंगे तो यहाँ पे साइन है रतन पी वतल की, जो 2016 में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। ये नोटों के पीछे डेट लिखे गए हैं, इस पे है 2015, इस पे है 2016। तो 1994 के बाद 2015 और 2016 में भी 1 रुपए के नोट बनाए गए थे। ये नोट इतने रेयर नहीं होते हैं, इनका बंडल जो है पूरा 100 नोट का आपको 500 रुपए तक मिल जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि इस पे एक ब्लू कलर का बैंड मारा हुआ है और इस पे व्हाइट कलर का बैंड मारा हुआ है। ये ब्लू कलर का बैंड इस पे इसलिए मारा हुआ है क्योंकि इसमें एक स्टार नोट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस नंबर के बीच में एक स्टार मार्क मारा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि 1 रुपए का कौन सा नोट रेयर होता है और कौन से नोट फेक होते हैं। 1995 का जो 1 रुपए का नोट आया है वो फेक नोट है, उसको आपको 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं। OLX, Quikr, eBay वगैरह पे जो क्लेम करते हैं कि ये नोट के पास है और असली है, सारी झूठी बातें हैं, आपको इसमें नहीं फंसना है। 1964 का जो नोट है, जो सबसे महंगा नोट 1 रुपए का रिपब्लिक ऑफ इंडिया का माना जाता है, वो असल में रह रहे एग्जिस्ट करता है और असली है, लेकिन आज के जो फॉर्जर्स है उन्होंने 1964 का एक नकली नोट बनाया हुआ है, तो आपको उससे बच के रहना है। अगर आपके पास इनमें कोई नोट है और आपको इनके बारे में चाहिए और इंफॉर्मेशन, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।